वेलकम टू कृष्णा क्लास यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो ये क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटल जनरल प्रैक्टिस सेट ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन से एग्जाम में आ चुके हैं या इनके आने की बहुत ही संभावना है, तभी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अलग अलग जगहों से उठाकर लाया हूं ताकि आपको एक जगह ही स्पेशल मटेरियल मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मैं उनके कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा और एग्जाम में किस तरीके से आपको फटाफट सॉल्व करना है ये भी बताते जाऊंगा। तो आप जो है गौर करिएगा, साथ ही साथ इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू देनी है, थीटा की वैल्यू देनी है। अब देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, खूब सारे लोग इसका परिमेयीकरण करेंगे, लेकिन मैं आपको देखो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, योगांतर अनुपात का। युगांतर अनुपात होता क्या है, देखिए यदि मेरे पास a अपॉन b दे रखा है c अपॉन d, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पे लिखा जाएगा c प्लस डी c माइनस डी, इसको ये लिखा जा सकता है, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको ये भी लिखा जा सकता है a माइनस बी a प्लस बी को इसी अंश में हर को माइनस करो और अंश में हर को जोड़ भी दो। ठीक है, तो यहां भी ऐसे लिखा जा सकता है सी माइनस डी सी प्लस डी, ये योगांतर अनुपात है। देखिए इसमें ऐड किया है और फिर डिवाइड किया, तो इसमें ये ऐड भी किया है और डिवाइड भी किया है, ऊपर माइनस था नीचे प्लस कर दिया, तो जो हर है उसको अंश में से माइनस कर दिया और हर कर दिया। इसके अलावा इसके कुछ और रूल्स भी है, देखिए कैसे ए प्लस बी ए माइनस बी यदि सी प्लस डी दे रखा है और आपको उसको अकेला a प्लस बी करना है, तो ये फंक्शन इधर ऑपरेट कर दीजिए, a अपॉन b निकालना है तो हम लिख देंगे अब c प्लस डी c माइनस डी। यदि a अपॉन b आपको दे रखा है c प्लस डी c माइनस डी, हमें इसको c अपॉन d लाना है c अपॉन d, तो ये फंक्शन इधर ऑपरेट कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस डी, सॉरी ऊपर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये योगांतर अनुपात है, योगांतर अनुपात बहुत काम की चीज है, फटाफट क्वेश्चन करता है, तो आप जो है योगांतर अनुपात ये सीख लेंगे तो फटाफट कर पाएंगे। देखिए मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूं, मेरे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन। ये जो माइनस या प्लस हो रहा है वो हर है और ये अंश है, इधर ही इसी तरीके से ये अंश की संख्या है ये हर की संख्या है। तो देखिए पहले से योगांतर अनुपात दिया हुआ है, मेरे को इसको खत्म करना है। ठीक है, जैसे ये होता है तो ये है, इसको मैं वापस ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ठीक है, तो इसको भी लिखा जा सकता है रूट थ्री अपॉन वन, वापस योगांतर अनुपात बनाऊंगा तो ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा और यहाँ आ गया है रूट थ्री। cos थीटा में जो रूट थ्री का मान है वो तब आता है जब थीटा बराबर होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जा सकता है पाई बाय 6, तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 6। तो योगांतर अनुपात बहुत हेल्प करता है, आपको जो है योगांतर अनुपात आना चाहिए ताकि जो है आप इससे फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है एक, कोस 12 थीटा थ्री कोस 10 थीटा प्लस थ्री कोस 8 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 1 का में मान निकालना है। सब कुछ कोस के टर्म्स में दे रखा है और वैल्यू यहाँ साइन में है, तो साइन की वैल्यू में कोस में निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, कैसे इस प्लस वाले को मैं ट्रांसफर करके इधर ले जाता हूं। अभी देखिए
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमारा जो साइन थीटा है वो कोस स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब देखो मुझे यदि यहाँ पे साइन सिक्स करना हो तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोस ट्वेल्व। डबल हो जाएगा ना पावर में। मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मुझे वैल्यू चाहिए कोस ट्वेल्व थीटा प्लस थ्री कोस टेन थीटा प्लस थ्री कोस एट थीटा प्लस कोस सिक्स थीटा माइनस एट। सबसे पहले इसको करता हूँ मैं सॉल्व, कोस ट्वेल्व थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन सिक्स थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन सिक्स थीटा प्लस थ्री। इसको देखो किस तरीके से तोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख देता हूँ कोस फोर थीटा कोस एट थीटा। ठीक है, इधर देखिए थ्री, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ कोस फोर थीटा और यहाँ पे लिख देता हूँ कोस फोर थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन की टर्म्स बनानी है। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस सिक्स थीटा माइनस ए। ठीक है, अब देखिए साइन सिक्स थीटा प्लस थ्री, पहले इस कोस एट की बात करते हैं, तो देखो साइन थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा है, तो देखिए मुझे यहाँ पर एट चाहिए, तो एट करने के लिए मुझे फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस साइड कितना आ जाएगा साइन फोर थीटा, या इधर फोर करूँगा तो इधर एट हो जाएगा। इसका मतलब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन फोर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर करना चाहूँ तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि उधर पावर डबल चल रही है, स्क्वायर में चल रहा है। अब देखिए थ्री, इस कोस फोर को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ कोस फोर थीटा, यहाँ पे आ गया कोस सिक्स थीटा माइनस ए। देखिए ये फॉर्मूला किसका बना है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ किसका फॉर्मूला है। देखिए ये यदि मैं इसको ए क्यूब लिखूं, यदि मैं इसको बी क्यूब लिखूं और यहाँ पर लिखूं थ्री ए स्क्वायर बी और यहाँ पे लिखूं थ्री ए बी स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ये बन गया है ए प्लस बी होल क्यूब। यहाँ सिक्स है तो सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पावर थ्री। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कोस है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा क्यूब, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब की टर्म्स में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बन गया है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही आएगा, साथ में हमारे माइनस वन है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, तो क्यूब माइनस वन, वन का क्यूब वन होता है, माइनस वन 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 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर रहेगा जीरो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड में बताया, आप इसको फटाफट भी कर सकते हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा में पी दे रखा है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा में क्यू दे रखा है, तो हमें साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए। अब देखिए बीटा में चाहिए मतलब सबको बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहां से कोस अल्फा का मान ले लेता हूँ पी कोस बीटा। सिमिलरली यहां से साइन अल्फा का मान मैं ले लेता हूं क्यू साइन बीटा, इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस यहां पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। आगे देखिए ये वन हो जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं वन इक्वल्स टू, मेरे पास यहां बच गया पी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए साइन स्क्वायर की, तो इस कोस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और मैं इसको लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। जिन लोगों को फॉर्मूलाज नहीं पता है वो प्रैक्टिस सेट करें तो उन्हें कन्फ्यूजन बहुत होगा, तो आप पहले फॉर्मूलाज पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है उसकी अटेंड करिए, तभी आपको आएगा। ठीक है, आगे देखिए
यहां बन गया है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा वन इक्वल टू, देखो यहां पर पी स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इधर ले आता हूं तो साइन स्क्वायर बीटा मेरे पास बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा देखो पी स्क्वायर, इसको मैं इधर लाता हूं तो इस वन को मैं इधर भी तो लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वन, मुझे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस वन, और ये नीचे चला जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थोड़ा डिफिकल्ट है, बैंक और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इस तरीके का मेथड भी आना चाहिए, हर बार ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक बात पे डिस्कस करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है कम से कम इस पर 100 व्यूज आए, कम से कम 100 लोगों को इन प्रैक्टिस सेट का फायदा हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन हम लेके आए हैं वो लोगों को मिले, उनकी भी हेल्प हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ में आपके फ्रेंड्स क्लासमेट जो भी उन्हें सजेस्ट कीजिए ताकि वो कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सके और उन्हें इस कॉम्पिटिटिव मैथ्स की फ्री कोचिंग का फायदा हो, साथ ही साथ वो ये पटवारी पुलिस रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ये जो अलग अलग वैकेंसियों के लिए हम अलग अलग कोचिंग में पैसा वेस्ट करते हैं वो ना करें, क्योंकि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जीरो लेवल टू हाई लेवल। आगे मेरी बात समझ में, तो आपको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पटवारी के एग्जाम के लिए हम सफिशियंट है या नहीं, या सीजीएल के एग्जाम के लिए सफिशियंट है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ हर लेवल के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, हर लेवल का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और हर लेवल का ही कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये जो टारगेट है वो पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब 3 sin θ + 5 cos θ = 5 हो तो 5 sin θ - 3 cos θ की वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत लेंदी भी है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में इसको सॉल्व करके इसकी ट्रिक भी बताई थी, मैं आपको और बता देता हूं कि यदि हमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा यदि x दिया हुआ रहे तो, और यदि b sin थीटा माइनस a cos थीटा y हो, कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो गुणांक बदल गए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, फिर b sin थीटा माइनस a cos थीटा है, और x और y दिए हुए हो तो इन गुणांकों का संबंध इस तरह से होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू ये है, मतलब x की वैल्यू ये है, तो यहाँ 5 स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब मुझे y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y स्क्वायर। अब देखिए 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, बस फटाफट हो गया है। आप यदि लेंदी तरीके से करते हो तो आपका टाइम कंज्यूम होता, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 5 हो तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालिए। इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा आपको x दे रखा होता है, तो हम सीधा tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है। अभी देखिए, और इसी तरीके से sec थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। तो हम tan थीटा की बात करते हैं, सबसे पहले हमें tan थीटा का मान चाहिए, x ही है हमारा, तो x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5, तो कितना हुआ देखिए, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 25 माइनस 1 10 24 अपॉन 10, हमें यहां चाहिए, यहां रख देते हैं फटाफट, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 10 प्लस 1 24 अपॉन 10 माइनस 1, ठीक है। अभी देखो एलसीएम लेते हैं, 10 24 माइनस प्लस 10, फटाफट हो रहा है, देखो एलसीएम ले लो, यहां चला जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई होकर, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए और यहां पे देखिए 24 माइनस 10
10 से 10 कैंसिल हो गया, 24 प्लस 10 34 होता है, 24 माइनस 10 14 होता है, मतलब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 17/7 ये हमारा आंसर होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रिक से हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिक से टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है भाई कैलकुलेशन से। आप एलसीएम लोगे, धीरे धीरे सॉल्व करोगे, वहां टाइम खर्च होगा, फटाफट आपको आ जाएगा तो आप कर लोगे, और ये आएगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई हमें एक दे रखा है, कोट एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे कोस में बदल देता हूं, कोस स्क्वायर, और जब साइन को कोस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 90 में से थीटा माइनस कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है ये मान यदि एक आ रहा है तो इसका मतलब यहां थीटा और यहां थीटा सेम आना चाहिए, तभी तो साइन थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। इसका मतलब यहां जो एंगल है कोण है वो बराबर आने चाहिए, मतलब ये एक्स का मान इसके बराबर होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं एक्स बराबर 90 माइनस वाई, तभी तो हम एक ला सकते हैं। अब देखिए इस वाई को मैं दो डाल देता हूं तो एक्स प्लस वाई हुआ 90, यहां पे वैल्यू रखनी है कोट 90, कोट 90 की वैल्यू 0 हो गई है ना, फटाफट करने वाला क्वेश्चन, बस दिमाग की बात है। अब देखिए फटाफट यहां पे इसको भी करते हैं, एक त्रिभुज में y जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो मैं आपको त्रिभुज बना के दे देता हूं, x y और z, ये मेरा 90 है। अभी देखिए x y का मान देता है 2√6, तो ये मैं ले लेता हूं 2√6, x z और y z का माइनस जो है वो 2 है, मतलब x z में से मैं y z माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 आने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में, अभी देखिए xz का जो मान है xz दे रहा, yz दे रहा, तो मतलब xz का जो मान है वो yz से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, xz में से yz माइनस करते हैं तो 2 बचता है, इसका मतलब yz छोटा है, कितना, 2 छोटा है, तो मैं x, ये जो yz है इसकी वैल्यू ले लेता हूं a, या p ले लेता हूं, इसकी वैल्यू में ले लेता हूं p, इसका मतलब xz आपके पास हो गया p प्लस 2। भाई यहां पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कितनी बड़ी है, 2, तो मैं यहां पी ले लेता हूं तो ये पी प्लस 2 हो गया, मुझे चाहिए सेक एक्स और टेन एक्स, मतलब की बार एंगल यहां पे बना हुआ है। ठीक है, अभी देखिए सेक इसको, सेक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेक को इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है इसमें, ये रहा पी प्लस 2, आधार क्या है, थीटा यहां बनेगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो आधार हो जाएगा 2√6 माइनस 10, टेन इक्वल होता है लंब बटा आधार, तो देखो थीटा यहाँ है तो लंब थीटा के सामने होता है, तो ये रहा आपका पी और आधार आपका ये है 2√6। तो अब देखिए एलसीएम लीजिए, 2√6 पी प्लस 2 माइनस पी कैंसिल हो गया है, बच गया है 2/2√6, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बच गया मेरे पास 1/√6, देखो कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल क्लास के जो वीडियोस है उन्हें देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है फटाफट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, अब x इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, z इक्वल्स टू में दिया हुआ है sec tan अल्फा, हमें इनका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां से निकालता हूं, x / a को क्या लिखा जा सकता है, sec अल्फा cos बीटा, हमें स्क्वायर में चाहिए, मतलब इसका भी स्क्वायर करो तो इनका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहां से y / b को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा साइन बीटा, यहां भी मुझे स्क्वायर में चाहिए तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए जेड / सी हो जाएगा टेन अल्फा, और मुझे जेड और सी पर भी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ स्क्वायर, तो इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर। इन वैल्यूज को यहाँ रखिए, देखिए सेक स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस, इसकी जगह ये रख देता हूं मैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस जेड स्क्वायर / सी स्क्वायर की जगह मैं ये रख देता हूं जो मेरी वैल्यू है टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इन दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा,
यहाँ मेरे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा में से टेन स्क्वायर अल्फा माइनस आता है तो भी वन बचता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो वन इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। फटाफट करने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन थीटा इक्वल टू साइन क्यू माइनस कोस क्यू डिवाइड साइन क्यू प्लस कोस क्यू है, साइन क्यू प्लस कोस क्यू की वैल्यू में निकालनी है। तो देखिए इसको आप योगांतर अनुपात से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए एक काम करता हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो साइन क्यू माइनस कोस क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां हो जाएगा साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, वैसे होना पूरे पे चाहिए था, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं इधर भी वन ऐड कर देता हूँ और इधर भी वन ऐड कर देता हूँ। अभी आप सोचो कि क्यों कर रहा हूँ, अब देखना किस तरह आंसर आते हैं। मुझे टर्म्स खत्म करनी है यहाँ से, मुझे ये चाहिए। तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको देखो एलसीएम में लेता हूँ साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो साइन क्यू माइनस कोस क्यू होल स्क्वायर प्लस, इसके पास कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर जब भी आता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे सॉल्व करते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू प्लस कोस स्क्वायर क्यू, क्योंकि मेरा ए ये है बी है। अब देखिए यहां बन जाएगा साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर क्यू प्लस कोस स्क्वायर क्यू होता है वन, तो मेरे पास यहां जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर। आप इसको इधर ले जाइए साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू देगा टू अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यू प्लस कोस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू होगा टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मुझे अकेले का मान चाहिए इसका, साइन क्यू प्लस कोस क्यू अंडर रूट टू कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू कोस थीटा। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड है लेकिन कोई ट्रिक नहीं लगने वाली, तो आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। एग्जाम में आ गया, हम वहां ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं और इस वजह से कई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम नए क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तीन चार प्रैक्टिस सेट और हो जाए उसके बाद में जो है हम जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बैंक का एग्जाम एसएससी का एग्जाम और अभी पटवारी और पुलिस का एग्जाम लगने वाला है, तो आप जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो छोड़ दिया तो एग्जाम में आप करोगे क्या। इंपॉर्टेंट तो ऑटोमेटिक ही है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में वो आती आती है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन सेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।